कर्नाटक में जो पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको पता है कि भाजपा वालों ने और खास तौर से हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों ने वहां पे पूरी जान लगाई, झूठ बोला कि किस प्रकार से हम जो है वहां पे अपना शासन ना सके, परंतु लोगों ने उनको बुरी तरह से नकार दिया है। आज आप ये देखिए कि जो भाजपा वाले थे, इन्होंने वहां पे जाति पे लड़ाई लोग उल्टी सीधी बयानबाजी करी, परंतु कर्नाटक की जो जनता थी वो समझदार थी और उन्होंने इसको जो है पूरी तरह से नकार दिया है। आज आप ये देखिए कि अब शुरुआत हो चुकी है, भाजपा का जो ऊपर को उठता हुआ था वो नीचे को चालू हो गया है, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि भाजपा जो है ये झूठ की राजनीति करती है और झूठ के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है। इसका उदाहरण आपने हिमाचल प्रदेश में देख लिया, अब कर्नाटक में देख लिया और आगे जो भी इलेक्शन आएंगे उसमें भी लोग इनको पूरी तरह से बाहर कर देंगे, क्योंकि झूठ का एक टाइम होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये मैं बोलना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश से जो है भाजपा का अंत होना शुरू हो गया है। आप सबको पता कि जैसे पहले हिमाचल में यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, अब उसके बाद आपने देखा कर्नाटक में सुपड़ा साफ हो गया, इसी प्रकार इनका पूरे भारतवर्ष में लोग इनके ऊपर झाड़ू मारेंगे और जो इनकी गलत नीतियां हैं लोगों को लड़ाने झगड़ाने की, लोग समझ चुके हैं इस चीज से, अब लोग इनको बाहर कर रहे हैं। इसका उदाहरण आपने यहां पे देख लिया। खुशी इस बात की होती है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो, देखिए एक साफ छवि के हैं, ईमानदारी की उनकी कई मिसालें आ गई है, उन्हें पैसों का लालच नहीं है, वो भी वहां पे कर्नाटक गए थे, वहां पर उन्होंने भी प्रदेश के बारे में जो जो उन्होंने योजनाएं चालू करी उसके बारे में बताया, लोगों को वहां पे बताया। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी, प्रदेश की अध्यक्षा जी जो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां पे अच्छे ढंग से काम कर रही है। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि अब भाजपा का जो है वो जाने का समय आ चुका है और इसी प्रकार लोग इनका हर जगह से सुपड़ा साफ करेंगे। फिर से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, अपनी कांग्रेस पार्टी के हर एक वर्कर जो वहां पे गए थे, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कर्नाटक वासियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।